शांति। बहुत सुंदर गीत के बोल थे, बड़ा प्यारा लगे बाबा का साथ। और आज का जो अव्यक्त संदेश है आठवां, उसमें भी बाबा साथ और संगठन की बात कह रहे हैं। तो आज का संदेश का जो थीम है, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। आज जब वतन में गई, दादी सुना रही हैं, आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा है। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्वकिशोर कौन थे, बाबा के भतीजे जिसको भाऊ भी कहते हैं यज्ञ में, और विश्वकिशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, दादी ने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया आप तो आई उस वतन से इस वतन में, आपने तो बाबा को भी बुला लिया। तो मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा, फिर ड्रामा का पार्ट पक्का करा दिया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह प्लान आदि सब क्या है? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है। वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे फिर सुनाएंगे। मार्शल वो होता है जो कमांडेंट इन चीफ होता है आर्मी का, तो हम सब कौन है, बाबा की रूहानी आर्मी है ना, तो जैसे मार्शल के पास भाई अब यहाँ कूच करना है, इस आर्मी को उधर भेजो, उसको इधर भेजो, तो पूरा प्लान है। बाबा कहते हैं इसी प्रकार बाबा भी मार्शल है ना, हम रूहानी आर्मी का, तो हम सेनानी बाबा की सेना में है। तो बाबा कहता है मेरे पास सारा प्लान है, तो वो प्लानिंग चल रही है। अब इससे हमने क्या सीखा, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्लानिंग बुद्धि बनना है, ऐसे नहीं जहाँ हाँक दिया वहां हक गए। हाँ, बाबा कितना कुछ सिखाता है, प्रोफेशनल लाइफ के भी कल्चर सिखाता है हमको, पर्सनल लाइफ में भी कैसे चलना है, प्लानिंग से चलना है, ऐसा नहीं गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहां गए वही रमण गए, बाबा सब सिखा रहा है हमें। तो बाबा कहते हैं इसके बाद एक दृश्य दिखाया, तीन संगठन थे, ध्यान से सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो यह देखा कि लाल लाल चीटियां आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी होती जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में देखा था,
शुरू शुरू में, बिगनिंग में, जैसे ही बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, कैसे सब एकदम एक्साइटमेंट में आ रहे थे। दूसरा संगठन, मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। और तीसरा संगठन, हम ब्राह्मणों का था जो सभी सर्कल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बुर होता है ना, वो छोटी छोटी बर्ड्स नहीं होती हैं, पॉलन, पॉलन इनफैक्ट, बुर इज पॉलन, बुर होता है ना, और चारों ओर पत्ते होते हैं, वो पत्तियां होती हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा, अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में रहना है, और अब मध्य में भी संगठन है, संगठन की शक्ति है ना, तो कोई भी हिला नहीं सकता। कहते ना, डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी स्टैंड। तो अगर आप, वो कहती मैं बड़ा, कहती मैं बड़ा, सुना है ना ये कहानी, मैं बड़ा मैं बड़ा, क्यों? क्योंकि कन्नी उंगली से तो पहाड़ उठाया था। वो कहते हैं रिंग फिंगर, हर अच्छे शुभ कार्य के लिए रिंग फिंगर यूज करते हैं। वो कहते हैं ये देखो मैं तो वैसे ही सबसे बड़ी हूँ। ये कहता है कि नहीं, इस पे वो स्वदर्शन चक्र फिरा था। वो कहता है मैं तो सबसे अलग हूँ इसलिए मैं बड़ा। बोला चलो लड्डू बनाओ, बना रहे लड्डू, यू 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 करके नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही इससे बनाया तो लड्डू बन गया। तो बाबा भी हमें सिखा रहा है संगठन की शक्ति। देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। अब देखो हाथ में पत्ता हो, यूं यूं करके थोड़ी देर के बाद उसको हम ही फाड़ फूड़ रहे होते हैं, खेलते हैं ना ऐसे, करना चालू जाता है, अभी यूं 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 कर देंगे। लेकिन फूल होगा तो कभी यहाँ लगाएंगे, कभी बालों में लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे। तो बाबा कहते हैं फूल की वैल्यू है, योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना, क्या ध्यान से सुनो, संगठन ही सेफ्टी का साधन है। यदि इस संगठन के घेरे से हम बाहर गए तो माया क्या करेगी, पंजा मार लेगी, अकेला खा जाएगी। इसलिए क्या करना है, संगठित होकर रहना है। अब इसमें बाबा ने तीन प्रकार के संगठन बताए, देखो कितना वंडरफुल है। पहला है लाल चींटियों का, जैसे ही कोई मीठी चीज देखती है ना, लपक करके एक के पीछे एक भागती हुई जाती है, क्रेजी होकर के, हाँ, और चढ़ जाती है जब तक उसे खा ना ले, उसे चूस ना ले। तो जब भगवान आया धरा पे तो लाल चींटियों का संगठन था। उसके बाद बाबा कहते हैं मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। और तीसरा संगठन जो इस समय ब्राह्मणों का है, बीच में फिर भी बाबा ही है और बाबा के आसपास हम बच्चे बैठे। तो बाबा शॉर्ट में हम बच्चों को बता रहा है कि हमें सदैव संगठित रूप में रहना है। आइए सुनते हैं दूसरा, नेक्स्ट, नौवा संदेश। फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। पहुंच जाओ एक गार्डनर के पास जहां पे बड़े सारे फ्लावर्स रखे हैं और पत्ते भी रखे हैं, कार्नेशंस भी रखे हैं। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते हैं, हरा हरा रंग वो पत्तों का भी दिखाते हैं। फूल दो तीन प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों
उसी कार्य में बिजी थे, मुझे देखा भी नहीं। दादी कह रही है मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। हे ब्रह्मा, बाबा बोल रहे मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। किसकी कारोबार चल रही है? फूल और पत्तों की। अब बाबा फूल और पत्तों का मतलब समझाएगा। ये फूल पत्ते तीन क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी, फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। और तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। समझ में आया? पहले में फूल थे और बहुत थोड़े पत्ते, फिर फूल और पत्ते लेकिन पत्ते वो भी डिफेक्टेड, और तीसरे में पत्ते जास्ती थे और फूल कम थे। अब बाबा इसको एक्सप्लेन करेंगे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जो है वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। चेक करते जाओ हम किस नंबर में हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं, प्रजा उनमें कोई बाकी तीसरी क्वालिटी है प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब हैं प्रजा। तो ऊपर की दो क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभा देता। अब देखो कभी भी सिर्फ फ्लावर्स रखेंगे ना, सिर्फ गुलाब गुलाब लगा देंगे तो भी मजा नहीं आएगा। थोड़ा ग्रीन कलर एक वेरिएशन के लिए डाला जाता है। तो बाबा कहते हैं फूल डालने से गुलदस्ते की शोभा उसमें शोभता नहीं है, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो चाहिए ना। सुना? तो राजा कौन यहाँ पे सिंबलाइज करता है? वो है फूल, और पत्ते क्या है? प्रजा। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हो। सुना? ये फादर क्या करता है? बैठ के हमारा गुलदस्ता बनाता है, और देखता हूं कि फूल ने कितनी प्रजा बनाई है, मतलब लाइक्स कितने बच्चों ने क्रिएट किए हैं। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते हैं। कभी रियलाइज किया था ऐसी ऐसी बातों को, जो बातें बाबा पकड़ करके लाता है? एक है शिव की प्रतिमा, वो जो शिवलिंग दिखाते हैं, शिवलिंग पे अख धतूरा चढ़ा रहे हैं, लेकिन देवताओं की मूर्ति पर सिर्फ फ्लावर्स चढ़ाते हैं। क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों नहीं, क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया। क्या सुनाया? कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले ही हुए थे ना, ये थोड़ी सारे के सारे कुनबे को ले आए थे। पहले तो दिल से हम ही सरेंडर होते हैं कि ये बात जच गई, बस अब और कुछ नहीं, अब तो हम बाबा के बन के रहेंगे, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं पहले अकेले ही तो अर्पण हुए थे ना, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो
तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। देखा कितना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन है, प्रजा रूपी पत्ते भी। अब इमेजिन करो आपके पास एक गुलाब का फूल है, लगाओ उसको ग्लास के अंदर, कितना फनी लगेगा। थोड़ी देर के बाद यूं यूं करके मुझ जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। उसके साथ आप पत्तियां लगाओ, कितना वंडरफुल लगेगा। तो वही बाबा समझा रहा है। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं, कि प्रजा बनाओ। क्या करना है भाई, सबको प्रजा बनानी है ना, खूब सारी। और ऐसे नहीं कि आओ भाई हम तुम्हें प्रजा बनाएंगे, नहीं, अपना प्यार से ज्ञान सुनाओ, स्वरूप हमारी स्थिति हमारा मनसा वाचा कर्मणा कॉन्स्टेंटली सेवा करना। ठीक है, कई लोगों को बोलने का चांस नहीं भी मिलता, लेकिन क्या करना, बाबा कहते कर्मों से मनसा से सेवा करते रहे। मनसा भी बड़ी भारी सेवा, बहुत वंडरफुल सेवा। आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो आप उनको एम्पावर तो कर ही सकते हो ना। तो बाबा कहते हैं यही सेवा हम बच्चों को करनी है। तो कौन कौन करेगा भाई, वेरी गुड, वंडरफुल। आइए चलते हैं अपनी प्रजा का हालचाल देखने। चलेंगे भाई सभी, सभी अपने वीडियोस ऑन करो, चलते हैं। सब रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ओम शांति। सब तरफ से मन बुद्धि को हटाए, सारा ध्यान केवल एक संकल्प में, मैं आत्मा हूं, परमात्मा पिता की संतान, मस्तक के मध्य चमकता हुआ अजब सितारा, धीरे से इस शरीर से उभरा, दूर से मैं आत्मा नीचे बैठे इस शरीर को देखती हूं। और इस सुंदर साइंस को जो भगवान ने मुझ आत्मा को समझाई है, कि इस शरीर में मैं विद्यमान आत्मा, चैतन्य एक्टर, अपना पार्ट प्ले कर रही हूं, है ना, कितना सुंदर वंडर। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट लोधा हुआ है। आदिकाल में
अपने घर परम धाम निवास किया करती थी। अनादिकाल से पिता परमात्मा के पास निवास करती थी, शांति की वो दुनिया फिर मैं आत्मा उतरी आदिकाल में, देवकुल की रहवासी, सुंदर नगरी, सुख संपन्न साम्राज्य था मेरा। राजा और प्रजा दोनों सुखी थे। समय बीता, चक्र चलता रहा, आत्मा के अंदर धीरे धीरे विकारों की प्रवेशता हुई। न पूज्य आत्मा, पुजारी बन अपने पूज्य स्वरूपों की पूजा करने लगी। समय चलता जा रहा था, आत्मा की शक्ति क्षीण हुई, जैसे ब्लैकआउट हो गई। परमात्मा पिता मिले, अब मैं उनकी संतान, पवित्र ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाने लगी। बाबा कहे, बच्चे संगठन ब्राह्मणों का संगठन, क्योंकि संगठन में शक्ति है, संगठन में बल है, तो सेकंड में बच्चों आकाश से ऊपर एक लंबी उड़ान, और हम सभी फरिश्ते बन सेकंड में उड़ चले। दूर बादलों की ओर, जहां ड्रिल मास्टर बाबा बाहें पसारे, हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, देखो विश्व की आत्माओं का क्या हाल हो चुका है। भाई भाई के खून का प्यासा है,
हर घर में महाभारत चल रहा है। सेकंड में अपने दिव्य बुद्धि रूपी हाथ में इस विश्व ग्लोब को उठा लो और पावरफुल शक्तियां दो। समस्त संसार को एक ही संकल्प हो, सब आत्माओं का भला हो, सब सुख पाए, ये अंतिम जन्म है, सब अपने मीठे माता पिता से मिल जाए। चारों ओर अपनी दृष्टि डालो कहीं कोई वंचित ना रह जाए। धीरे से वापस आ जाओ। ओम शांति। शांति। Good night.